हाँ तो दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था 1354 करोड़ पे, और अभी ये नंबर आया है 1356 करोड़ पे। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ 2 करोड़ से ये नंबर बढ़ा है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 3% से गिरी है, और ये नंबर आया है 222 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे कोई हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस या ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर 16% से बड़ा है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की 13% से बड़ी है, और ये नंबर आया है 222 करोड़ पे। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से पीआई इंडस्ट्री है जो कंपनी है पिछले 4-5 साल से ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे जो एनालिस्ट यानी कि जो हमारे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होगी। मार्केट कम से कम यहाँ पे 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स आए हैं ये मार्केट में जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे। देखिए 2490 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लगभग 3500 रुपये का इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो वहाँ से अराउंड 28% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि जो बैड नंबर्स कंपनी के आए हैं वो ऑलरेडी फैक्टर ही ने, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि 5-6% का करेक्शन हमें और देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये जो पूरी इंडस्ट्री है, खास करके एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है कि देर इज़ नो डाउट कि जो एग्रोकेमिकल्स है उनका यूसेज आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है, और वहाँ पे एक डोमिनेंट प्लेयर हमें पीआई इंडस्ट्री नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा, क्योंकि 28% अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी नीचे मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रह सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि पीआई इंडस्ट्रीज के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।